नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहाँ हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। नींद में लगता है झटका और होता है गिरने का एहसास, तो हो जाइए सावधान। आज ही सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज जिस एपिसोड पर चर्चा होने जा रही है वो है हाइपनिक जर्क। जी, तो हमारे जो दर्शक हैं उनको हम इस तरीके से समझाएं कि ये जो हाइपनिक जर्क है वो नींद में आने वाला एक जर्क है। जी। लेकिन ये समझना आपसे बहुत जरूरी है कि जब नींद होती है और अचानक से उठ के बैठ जाना या ऐसा लगना कि कहीं बेड से गिर रहे हैं या सीढ़ियों से गिर रहे हैं, अचानक से झटका लग रहा है, इस तरीके की जब ये समस्या होती है इसे कितना मतलब इसको लेना चाहिए गंभीरता के से, या फिर ये नॉर्मल एक प्रक्रिया होती है, कभी कभी ज्यादा थकान होने की वजह से ऐसा हो जाता जी। है। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया, थोड़ा हटके मेन हम कॉमन बीमारियों की बात करते हैं लेकिन ये भी प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं। तो नींद में लोग बहुत कुछ महसूस करते हैं, ऐसे तो आपने देखा होगा कुछ लोग नींद में बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ लोग नींद में जो है चलते भी हैं, वॉकिंग करते हैं रात को उठ करके, नींद में चलने लगते हैं लोग। कुछ कभी कभी नींद में जो है झटके महसूस करते हैं जिसकी आज हम बात करते हैं, उसको हम हाइपनिक जर्क या हिपनिक जर्क जो भी आप कहें। और जब आप जो है गहरी नींद आने से पहले की स्थिति होती है उस अवस्था में ये जो झटके आते हैं उसको कहा जाता है हिपनिक जर्क। है जी, तो इसमें होता क्या है कि कभी कभार ऐसा भी लगता है कि बहुत ऊँचे स्थान से आप नीचे गिरे जा रहे हो, या कभी ऐसे एकदम से झटका लगता है, या कभी कभार ऐसा भी लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉक कोई लगा है आपको, कोई बिजली कड़कड़ा गई है बहुत तेज़ी से, एकदम आदमी घबरा के उठ जाता है। तो ये जो अवस्था है ये आप कह सकते हैं कि जब आप जो है नींद में सोने के लिए जाते हैं तो बिफोर द स्लीपिंग फेज, सुषुप्त अवस्था से पहले जो थोड़ी सी जो जागृत अवस्था कह लीजिए उसको, उसमें उस अवस्था में जब आप बिल्कुल नींद में जब प्रवेश कर रहे होते हैं उस समय हमारी मसल्स में या हमारी जो बॉडी के किसी हिस्से में ये इनवॉलंटरीली, मतलब आपके बिना इच्छा के अनैच्छिक जो है हमारी ये झटके जो आते हैं उस समय, तो आप देखते हैं कई बार, अगर आपने महसूस किया होगा क्योंकि लगभग 70% लोग इसको महसूस भी कर चुके होंगे, उसमें हार्ट बीट भी कई बार बहुत तेज़ हो जाती है, ब्रीदिंग आपकी फास्ट हो जाती है। तो आम तौर पर ये जो हाइपनिक जर्क होते हैं वो नींद आने से पहले, यानी कि जब हमारी एक तरह से वो स्लीप में जा रहे हैं हम, उसमें हमें ये महसूस होते हैं। जब आप ना तो जगे हुए हैं ऐसा कह सकते हैं, ना आप गहरी नींद में हैं। लगभग 70% जो लोग इसको कभी ना कभी अपने जीवन में इसको महसूस करते हैं। ऐसे तो कोई रोग नहीं है, तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली कि कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, बहुत सामान्य तौर पर ये चीज़ हो जाती है। लेकिन यदि बार बार आपको हो रहा है, अक्सर आपको होने लगता है, तो फिर थोड़ा सा आपको उसको समझना होगा कि क्या इसका कारण हो सकता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, आज का जो जीवन है, लोगों का लाइफस्टाइल, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, टेंशन है आपके, एंग्जाइटी है, या आपको चिंता रहती है किसी तरह की, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, स्लीप डिसऑर्डर बड़ी कॉमन सी बात है आजकल, रात को लोगों को नींद नहीं आती है ठीक से, या आप देर तक जगते हैं रात को, एक्सेसिव एक्सरसाइज, सोने से पहले कुछ घंटे पहले लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो वो भी गलत है, या फिर आपका नर्वस सिस्टम पूरा स्टिमुलेट आप करते हैं किससे, गैजेट से, फ़ोन है, टीवी है, बहुत सारा कंप्यूटर वगैरह, और कभी कभार ये कुछ मिनरल्स की कमी से भी होता है। आपके बॉडी में यदि कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन की कमी हो उसके कारण भी होता है। चाय, कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहल का सेवन यदि आप करते हैं दैट ऑल्सो बिकम्स ए कॉज। और कभी कभार कुछ लोग ऐसी दवाइयां खा रहे होते हैं माइंड के लिए, या कुछ स्लीपिंग टैबलेट्स या कुछ ऐसी जो कि आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा डल कर देती हैं, दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ कुछ खा रहे होते हैं ट्रैंकुलाइजर टाइप की, उसके कारण भी ये हिपनिक जर्क आपको हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, उसमें वात का प्रकोप हो गया,
तो घबराना नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है और बार बार हो रहा है तो एक बार जीवा में ज़रूर संपर्क कर लीजिए। अभी थोड़ा इस शो में भी आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे कि ये आप अगर करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा विषय आपने चुना है, बहुत बढ़िया, तो इसके लिए आपको धन्यवाद जी। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हाइपनिक जर्क होता है? जी, जैसा मैंने कहा अभी, कारण जब मैंने बताए, और मैं तो बार बार आपको अपने शो में बोलता हूँ कि अपनी डाइट में हमेशा जो ध्यान रखना है, जो भी खाएं पौष्टिक हो, सुपाच्य हो, ऐसा भोजन वो जिसमें कि हर तरह की आपको पोषण मिलती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन की कमी से ये डेफिनेटली हो सकता है। तो रात को सोने से पहले एक गर्म दूध, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए और साथ में 3-4 खजूर खा सकते हैं, या खजूर ना खाएं तो थोड़ा गुड़ का सेवन करें, गुड़ में भी आयरन होता है। और इसके साथ साथ हरी सब्जियां, बार बार हम आपको इसलिए कहते हैं हरी सब्जियां खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, जिस सीजन में जो फ्रूट आ रहा है। सलाद आप दिन में खा सकते हैं, बादाम, अखरोट और किशमिश, मूंग चने के स्प्राउट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, उनको स्टीम करके खाइए। जीवा का एलोवेरा जूस, आंवला जूस, जीवा का च्यवनप्राश और एक हमारा ओज शक्ति कैप्सूल होता है ताकत के लिए, ये सब क्योंकि हम मिनरल्स की बात करें तो एक तरह से मल्टीविटामिन टाइप का वो है। नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जीवा का एक मेमोरी का सिरप आता है और जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट, ये बहुत अच्छा काम करेंगे, नींद भी अच्छी आएगी इससे। पूरे शरीर में और सिर में भी आपको तेल से मालिश करनी चाहिए, तिल का तेल अच्छा रहता है, मैं बार बार कहता हूँ उससे मालिश करें, एटलीस्ट सप्ताह में 2-3 बार भी कर सकते हैं। सोने से पहले हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी, पहले मना किया, और मसल्स में थकान और कमजोरी और ये सब जो है इसके कारण भी झटके आते हैं। सोने से पहले चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये टबैको वगैरह इसका सेवन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, और अच्छी गहरी नींद आपको आनी चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करेंगे, सोने से पहले तलवों में थोड़ा मालिश कर लीजिए, गुनगुने पानी से आप स्नान कर सकते हैं एक डेढ़ घंटा पहले सोने से पहले। सोने के एक घंटा पहले सारे गैजेट्स को बंद कर दीजिए, अपने बेडरूम में वाईफाई, राउटर वगैरह अगर लगे हैं या कोई भी ऐसा जहाँ बहुत हैवी सिग्नल होता है उसको ना अपने कमरे में रखें, ऐसी चीज़ को, अपना जो फ़ोन है उसको भी कम से कम 10 फीट आप दूर रखें। जीवा की स्लीप वेल टैबलेट्स बहुत अच्छी हैं, उनको आप सेवन करिए। आयुर्वेदिक दिनचर्या मुख्य रूप से जो हम बार बार बात करते हैं उसमें एक रात्रिचर्या का वर्णन भी आता है, उसका पालन करें। नियमित समय पर सोना, नियमित समय पर जगना, सुबह जो है जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, समय पर भोजन करें, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और रात का भोजन विशेष रूप से हल्का खाना चाहिए, और सोने से पहले जीवा मेडिटेशन जरूर करिए, 5 मिनट का मेडिटेशन है, बहुत फ़ायदा आपको रहेगा, ताकि आपकी इंद्रियां, आपका मन, ये सब शांत हो जाए। ये YouTube पर आप देख सकते हैं जीवा मेडिटेशन। तो इसलिए जब आप रात को सोने से पहले मन को शांत रखेंगे, शरीर आपका रिलैक्स होगा, तो फिर झटके आपको नहीं आएंगे, नींद अच्छी आएगी, गहरी नींद आएगी। और भी काफ़ी सारी समस्याएं, कुछ लोगों को खर्राटे आते रहते हैं, कुछ लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा ड्रीम्स चलते रहते हैं, वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, निशा है पुणे से। निशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी नमस्कार। जी गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बताइए। प्रॉब्लम ये ना कि मुझे बहुत लंबे समय से खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, और मेरे ना खांसने के सीने में भी दर्द रहता है, दवाइयाँ भी ली है लेकिन इससे आराम मिल नहीं पा रहा है। देखिए खांसी जो है ना, आजकल मैं बहुत केसेस ऐसे देख रहा हूँ कि जी 2 महीने से खांसी ठीक नहीं हो रही, 3 महीने से खांसी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि आम तौर पर हम बार बार एक ही चीज़ आपको बताते हैं कि जब भी आपको खांसी होती है तो केवल आप कुछ कफ सिरप ले लें या कोई ऐसी दवाई जो एंटी एलर्जिक, जिसको आजकल बोल देते हैं एंटी एलर्जिक, सब जगह लोग यूज़ करते हैं आजकल, ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि कारण क्या है, और आजकल जो है विशेष तौर पर ये जो कोरोना पेंडेमिक जो आई थी उसके बाद बहुत लोगों के फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि भाई जीवा का च्यवनप्राश तो रेगुलर खाया करो, कम से कम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत रहेगा। तो इसमें मुख्य रूप से अगर मैं वैसे आपको एक छोटा सा नुस्खा ही बताऊँ तो आप मुलेठी का प्रयोग करिए, उससे बहुत लाभ मिलता है। मुलेठी को पानी में उबाल के पी सकते हैं, पाउडर हो तो थोड़ा शहद में मिला के चाट लीजिए, लेकिन क्योंकि रोग है और उसकी चिकित्सा प्रॉपर करनी पड़ेगी,
तो फिर सेहत का नंबर आपके पास है, एक बार पुणे में आप रहते हैं, पुणे में हमारी कई क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर्सनली जाके मिल लीजिए डॉक्टर से। साथ में पंचकर्म चिकित्सा बहुत फ़ायदा करती है इसमें, पंचकर्म भी हमारी क्लिनिक्स में अवेलेबल है, वो कराइए, पर प्रॉपर इलाज करिए उसका। ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर छोड़ा फिर दूसरा पकड़ लिया फिर तीसरा पकड़ लिया, ये ऐसे केसेज हमारे पास बहुत आ रहे हैं कि जी पहले डॉक्टर को दिखाया, फिर हॉस्पिटल में दिखाया, फिर बड़े डॉक्टर को दिखाया, फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया, और ये सब दवाइयाँ खाते 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 लास्ट में इतना खुश्की ड्राइनेस अंदर हो गई कि पूरा बलगम ही सूख गया। तो हम तो यही सलाह देते हैं, कोई भी रोग हो, छोटा रोग हो बड़ा रोग हो, जीवा है आपके पास, नंबर है, तुरंत कॉल करिए। आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत अच्छी है, और आयुर्वेद में भी मैं बार बार कहता हूँ कि एक एक्सपर्ट की सलाह आपको लेनी चाहिए। एक्सपर्ट कौन? जो सर्टिफाइड डॉक्टर है आयुर्वेद का, क्योंकि जो सर्टिफाइड है वही असली एक्सपर्ट है। आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको सोशल मीडिया पर, सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ आपको सलाह दे रहे हैं, ऐसा मत करिए, शरीर आपका है, एक अच्छे स्पेशलिस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही सलाह आपको लेनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद की नजर में हाइपनिक जर्क जो है वो किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, खास करके जीवा के जरिए? जी देखिए, हमने बहुत सारी चीजें तो आपको बताई ऑलरेडी, और जहाँ तक हम बात करते हैं आयुर्वेद में, जब हम किसी भी विकार का उपचार करते हैं, खासतौर से आपने जीवा की बात पूछी है, तो सबसे पहले तो उसका कारण, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल लोग कारण की भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, आपको कहेंगे हम कारण रूट कॉज को ठीक करते हैं, नहीं नहीं, उसके साथ साथ पैथोजेनेसिस क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में उसको हम संप्राप्ति बोलते हैं, उसको समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको पता चलता है कि पूरा रूट क्या है। आयुर्वेद जो है वो एक लॉजिकल मेडिकल सिस्टम है, एक रैशनल मेडिकल सिस्टम है, इसलिए आयुर्वेद में जो चिकित्सा की जाती है उसका नाम ही रखा है उन्होंने, युक्ति विपश्यना चिकित्सा। युक्ति यानी कि कोई लॉजिक लगा कर, ऐसे नहीं धूल में लठ नहीं चला रहे, अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, समझना पड़ता है। वात पित्त कफ कौन से दोष का प्रकोप है, मूल कारण का, ये जो मूल कारण यहाँ से शुरू होता है, और वो प्रकोप जो है फिर किस धातु में गया, किस स्थान पर गया, कौन से आपकी लोकेशन में गया, किस रूट से गया, ये पैथोजेनेसिस समझा रहा हूँ मैं आपको, और कौन से चैनल्स के माध्यम से गया, और वहाँ जा कर के उसने किस प्रकार के लक्षण पैदा किए। तो केवल लक्षणों की चिकित्सा नहीं कर रहे, ये समझना, पूरा रूट समझना पड़ता है आपको, और आयुर्वेद में इसे हम कहते हैं संप्राप्ति। एक बार आप इसको जब समझ जाते हैं तो पूरा पैथोजेनेसिस आपको तोड़ना पड़ता है, फिर जगह जगह पर आपको चिकित्सा करनी पड़ती है, लक्षणों की अलग है, धातु में अलग है, दोषों की अलग है, अग्नि की अलग करनी पड़ती है, तो युक्ति लगानी पड़ती है वहाँ पर, रैशनलिटी कुछ होती है दिमाग में, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने लिख के दे दिया, ये आयुर्वेद चिकित्सा समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जीवा में दोषों का बैलेंस करते हैं, धातुओं को डिटॉक्स करते हैं, अग्नि को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपके स्रोतस या चैनल्स को साफ करते हैं, और ये सब पर्सनलाइज्ड होता है, एक गोली से सब पर काम नहीं हो रहा है, इंटरनल मेडिसिन उसमें दी जाती हैं, डाइट दी जाती है, योग या फिर माइंड वेलबींग, पंचकर्म, और निरंतर रोगी से टच बना करके उसको मोटिवेट करना, उसको थोड़ा सा समझाना, ये सारा जो है आजकल हम जीवा में कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ATP बोलते हैं, ATP, आप ध्यान से सुन लीजिए इस शब्द को, जीवा ATP प्रोग्राम। नेक्स्ट टाइम जब भी आप हमारे डॉक्टर से बात करें, हमारी क्लिनिक पर जाएं, कंसल्टेशन फ़ोन पर करें, वीडियो पर, उनको बोलिए हमें ATP प्रोग्राम आप एनरोल कर लीजिए, तो उसमें आपको 3-4 लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। तो इधर उधर भटकने की कोशिश मत करो, आयुर्वेद के जो सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स हैं यानी जीवा में संपर्क करें, और जहाँ तक आपने जो हिपनिक जर्क की बात की है तो पहले बताया मैंने काफ़ी नींद वींद के बारे में, उसका प्रयोग आप करिए, और वातवर्धक भोजन बिल्कुल मत करिए, मन को शांत रखिए, जीवा मेडिटेशन करिए, और जीवा में कॉन्टैक्ट करके ATP प्रोटोकॉल में एनरोल कर लीजिए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। ओवर ईटिंग सेहत के लिए कितनी खतरनाक है बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत की नंबर की लाइन 8860104040 खुली है, आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, ओवर ईटिंग सेहत के लिए किस तरीके से खतरनाक है? देखिए, ओवर ईटिंग बहुत खतरनाक होती है, और सबसे पहले तो ओवर ईटिंग से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर ओवरलोड पड़ता है, अधिक काम करना पड़ता है, सिस्टम कमज़ोर होता है उससे। कोई भी जब ओवरलोड पड़ेगा तो मशीन कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा जो है, ओवर ईटिंग आप करेंगे तो पूरा खाना आपका पचेगा नहीं, इनडाइजेशन होगा, अपच होगा, और अपच होगा तो क्या होगा, आम बनेगा, और आम बनेगा तो काम तमाम करेगा। शरीर में सैकड़ों रोग मैं बोल रहा हूँ वो आम के कारण होते हैं। उसके अलावा आप आम तौर पर ये तो समझते हैं कि ओवर ईटिंग से मोटापा बढ़ता है, और मोटापा यानी ओबेसिटी जो है वो लीड्स टू मैनी डिसीजेज इंक्लूडिंग कैंसर तक होता है मोटापे से। तो ओवर ईटिंग के कारण डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये तो आपको मालूम ही होगा, जोड़ों में दर्द, ब्रेन में सुस्ती आती है, शारीरिक थकान आपको महसूस होती है, और पेट के रोग तो बहुत सारे होते हैं, ब्लोटिंग है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, और आजकल एक बड़ा पॉपुलर सा नाम आपने सुना होगा, IBS, जिसका कोई खास लोग मतलब समझ नहीं पाते, हमारे यहाँ बोलते हैं IBS हो गया। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है, उचित मात्रा में सुपाच्य भोजन और पौष्टिक भोजन का सेवन आपको करना है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी हैं। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर भी मिलाना होगा और अपनी कॉल रजिस्टर करानी होगी, तो जल्दी से अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें, जीवा की ईमेल आईडी है info@jeeva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं, जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jeevaayurveda, और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jeevaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।